देवी पुराण का जो ग्रंथ है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं है, वो स्वयं ही प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है देवी पुराण के ग्रंथ का। कैसी तरह प्रागट्य हुआ? 18 पुराण की संरचना तो मेरे व्यास भगवान ने अपनी लेखनी के साथ, अपनी कलम के साथ लिख दिया, लेकिन देवी पुराण के ग्रंथ का प्रागट्य कैसी तरह हुआ? देवी पुराण के ग्रंथ का प्रागट्य तो माँ जगदम्बा के दाई चरण में से स्वयं हो गया है। इसलिए ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, स्वयं जगदम्बा के वांगमय स्वरूप माने गए हैं। जो आप कोई भी माता रानी को मानो, दुर्गा शक्ति कालिका भैरवी कपालिनी, जो माता रानी को आप कुल देवी के रूप में मानते हो ना, लेकिन सभी जगदम्बा का स्वरूप उसमें ही निहित है। जैसी तरह दूध में मक्खन छिपा होता है, वैसी तरह देवी पुराण के ग्रंथ में सभी जगदम्बा का प्रादुर्भाव और यहाँ सभी जगदम्बा यहाँ छिपी हुई है, निहित है। जैसी तरह दूध में मक्खन रहता है, वैसी तरह देवी पुराण में हर हर श्लोक में एक एक अक्षर में माँ जगदम्बा का स्थान छिपा हुआ है। वो महात्मा ही बताया गया है।